आज पूछे जरदारी साहब को, जरदारी साहब ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है मां सवाए वो जो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई है। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक जितना कर्जा लिया है उससे आपने अपने 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है। अब आप क्या समझते हैं कि ये कर्जा कौन उतारेगा? ये हमारे आने वाली नस्लें उतारेंगी, हमारे बच्चे उतारेंगे या आपके बच्चे उतारेंगे जो यहां रहते ही नहीं? सरदारी साहब इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा। आप हमारी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं, हमारे इज्जत नफ्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा हो रहा है यहाँ। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है, इन मुल्क को खतरा सिर्फ जाति उमरा से है। ये चाहते हैं कि मुल्क कमजोर हो जाए तो फिर ये मोदी का यार और मोदी मिलके जो करना चाहे वो करे। जब चाहूं मैं इनको निकाल सकता हूं, इसमें मुझे कोई देर नहीं लगी। ये खिलाड़ी और जरदारी सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। जरदारी ना जरदारी के खिलाफ, ना जरदारी के खिलाफ खिलाड़ी बात करते हैं और ना खिलाड़ी के खिलाफ जरदारी बात करते हैं, ना जरदारी के खिलाफ खिलाड़ी बात करते हैं।